अपने आने वाले शो दिल्ली फैशन वीक को लेकर एसवी प्रोडक्शन की टीम ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट रहे मियां लाकरा, सागर आनंद, नितिन आहूजा, मयंक ठाकुर, युक्ति शर्मा, इन सभी ने प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए दिल्ली फैशन वीक के बारे में अपनी बात कही। ये बहुत अच्छी बात है। AVSP प्रोडक्शन जिसको हैंडल कर रहे हैं आलोक अग्रवाल जी, शादाब जी, पर्ल हैं और मुस्कान है, और उसके जो शो डायरेक्टर है रितु जी, जो कि अपने बिजी शेड्यूल शूट के वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। सो इनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि ये लॉकडाउन इतना हार्ड टाइम होने के बावजूद दीज गाइज हैव कम अप विद सच अ नाइस कॉन्सेप्ट दिल्ली फैशन वीक, जो कि एक अनदर हब है आफ्टर मुंबई। सो एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम मैनेजर्स एंड द इंटायर क्रू स्टाफ कि ये दिल्ली फैशन वीक के थ्रू वो नए फैशन शो लेकर आ रहे हैं। जो बेचारे बहुत डल और नर्वस फील कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग हो गए कि लॉकडाउन और पैंडमिक के बाद भी शो जारी है। These guys have come up with a bang, so I'm really, really looking forward for a grand, grand, grand show. First, I'm so glad and thankful that मेरे को एक और बार लोग ऐसे मंच पे लेकर आ रहे हैं जहाँ पे हम दोबारा यू नो मॉडल्स को, डिज़ाइनर्स को और बड़े बड़े दिग्गजों को साथ में लेकर आ रहे हैं। सो फर्स्ट आई वुड वॉन्ट टू थैंक अ लोक एज वेल एज द एंटायर टीम ऑफ ASV प्रोडक्शन हाउस, ऑल्सो द फाउंडर रितु जी, जो अपना टाइम निकाल के उन्होंने अब यू नो शी हैज़ बीन नाउ शी इज़ एसोसिएटेड विद द ASV। सो इट्स वंडरफुल, मतलब एक अचीवमेंट आलोक के लिए। यू नो फर्स्ट आलोक वॉज हैंडलिंग दिस एंटायर थिंग बाय हिमसेल्फ, शादाब, मुस्कान एंड पर्ल एंड एवरीबडी, द एंटायर टीम। नाउ दे हैव वन मोर स्टार हु इज़ एडेड, वन पर्सन हु इज़ फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसने बहुत काम किया है, रियलिटी शो किए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट रितु इज़ अ पार्ट ऑफ दिस टीम एंड शी इज़ वर्किंग इन ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस दिल्ली फैशन वीक। द बेस्ट थिंग इज़ लाइक जितना भी पिछले एक दो साल में जितना कुछ हुआ है हमारे साथ, महामारी थी और जैसे नितिन ऑल्सो सेड यू नो नो रिस्क नो गेन, एंड आई विल कम्प्लीटली एग्री टू दैट बिकॉज आई थिंक आलोक इज़ वन ऑफ द पीपल, आलोक क्या मतलब द एंटायर टीम, यू ऑल्सो द मीडिया सिटिंग हियर, वी ऑल आर रिस्किंग एंड वी आर हियर एंड वी आर हियर फॉर अ रीज़न, एंड द रीज़न इज दिस ग्रैंड शो विच वी आर वेटिंग फॉर, विच विल बी अ ह्यूज सक्सेस एंड अ हिट। एंड ऑल आई जस्ट वॉन्ट टू से इज थैंक यू सो मच आलोक एंड द एंटायर लाइक एवरीबडी हु इज़ हियर, मिया एंड मयंक एंड एवरी वन एंड युक्तव इज़ ऑल्सो जॉइनिंग सून। सो मैं बहुत खुश हूँ कि हमें ये एक ऐसा मंच लेकर आ रहे हैं बिकॉज आलोक ने इतने सारे इवेंट्स किए हैं, एंड ये थोड़ा अलग है बिकॉज दिस इज़ नॉट अ पैजेंट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ पैजेंट। वाई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिल्ली फैशन वीक बिकॉज इट इज़ अ फैशन वीक। हाउ डू वी सी FDCI के शोज होते हैं, लैक्मे शोज हैं, देन वी हैव डिफरेंट शोज, बट देन दिस इज़ गोइंग टू मेक अ मार्क। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम व्हेन ही इज़ डूइंग इट, बट देन आई कैन सी द पावर ऑफ यू नो द पावर, हाउ ग्रेट इट इज़ गोइंग टू बी, एंड इट इज़ जस्ट द स्टार्ट एंड इट इज़ द बिगनिंग। बट आई फील लाइक विद इन अपकमिंग फ्यू ईयर्स, विद इन 3, 4, 5, 6 ईयर्स, दिस विल बी अ ब्रांड, and Alok is a brand himself, and that is why I love to work with him and I'm associated with him for past 2 years, and I just want to congratulate the entire team for having us here today, and also you know for this bang show which is like already making marks in the market. So all the best and thank you so much for having me. सबसे पहली बात है कि जितने भी इसके प्रोडक्शन हाउस के जितने भी आलोक हो गए, जितने भी लोग हैं, इन्हें इस पैंडमिक टाइम में ये इनिशिएटिव लिया, वो सबसे बड़ी बात है। ये प्लान जो इन्होंने बाहर जो पब्लिक के सामने और जितने भी न्यू कमर्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए ये एक इवेंट इन्हें ऑर्गेनाइज किया है, हाईली अप्रिशिएटेड टू देम। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब इकनॉमी इतनी डाउन है, लोगों का पर्सनल इंटरेस्ट हर चीज़ से लूज़ कर रहा है धीरे धीरे, उन्हें एक होप दी है जितने भी न्यू टैलेंटर्स हैं उनको अपनी टैलेंट को शो करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो वही इम्पोर्टेंट है आज के टाइम। साथ ही साथ सभी ने ASV प्रोडक्शन की पूरी टीम, आलोक अग्रवाल, MD शादाब, हरितु जी, पर्ल अग्रवाल, मुस्कान गौर की तारीफ की, और अपने पहले शो की सफलता के बाद इनका दिल्ली फैशन वीक भी कामयाब रहे ऐसा उन्होंने कहा। I'm gonna take my time. So अगर आप बाकियों को पूछना चाहते हैं तो यू मोस्ट वेलकम, और यू गोना स्टार्ट विद मी। ऑफ कोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, इट्स बीन अ प्लेजर सीइंग यू ऑल। हम इतने हॉरिफाइंग सिचुएशन से गुजरे हैं तो मुझे पता नहीं था हम कब मिलेंगे, आज मुलाकात हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। एंड सेकेंड ऑफ ऑल आई एम कमिंग बैक टू द पर्सन बिकॉज ऑफ हुम वी आर हियर, एंड दैट्स मिस्टर आलोक अग्रवाल द डायरेक्टर ऑफ द शो, शादाब द ऑर्गेनाइजर, मुस्कान द इवेंट मैनेजमेंट हेड, एंड पर्ल इवेंट कोऑर्डिनेटर। तो बेसिकली आप आलोक अग्रवाल को जानते हैं उनके डायरेक्टर के नाम से, लेकिन मैं उनको बोलता हूँ मिस्टर सक्सेसफुल आलोक अग्रवाल। इट्स
बिकॉज बेसिकली अंडर एन ईयर इनके 6 शो आ चुके हैं एंड बैक टू बैक वो शो एक से बढ़कर एक हिट हुए हैं एंड दैट्स व्हाई आई कॉल हिम मिस्टर सक्सेसफुल। एंड दूसरी चीज़, हमारी इंडस्ट्री में एक बहुत लाइन फेमस है कि जब तक आप रिस्क नहीं उठाएंगे आप कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको इनकी एक मिसाल देता हूँ कि जब इन्होंने एक महीने पहले अपना फ्लायर निकाला था उस टाइम बहुत सारे शोज़ लग चुके थे, ऑर्गेनाइजर्स ने अपनी डेट्स भी निकाल चुकी थी, लेकिन कोविड के टाइम्स को देखे उन सब ने अपनी डेट्स वापस ले ली थी। लेकिन इस इंसान ने, इन डायरेक्टर ने, इस ऑर्गेनाइजर ने अपने शो को उस टाइम वहाँ पर रखा और अपनी काबिलियत का, अपना लोकप्रियता का इतना अच्छा मुजाहरा किया कि सब लोग देख के हैरान हो गए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल ऑफ कोर्स, अब बात आती है शो के बारे में, आप लोग हमसे सवाल पूछने आए हैं, मैं आप लोगों से आज एक सवाल पूछता हूँ। इससे पहले, प्री शो में पहले आपने कितने कॉन्फ्रेंसेस किए हैं लैक्मे को छोड़ के, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनको छोड़ के, राइट? और अगर आज आप ASB के उसमें बैठे हैं तो आपको ये डिफाइन करता है कि ये शो एक बहुत बड़े ब्रांड बनने की कगार पर है। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ब्रांड में इसके साथ 5 शो कर चुका हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इंसान बहुत ही मेहनती है, इनकी टीम बहुत ही हार्ड वर्किंग है, जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, मॉडल्स के बारे में बात करते हैं जो इस शो की लाइफ लाइन है। मुझे याद है एक किस्सा, जब इन्होंने अपना फ्लायर निकाला था, सो ही वॉज वेरी नर्वस कि कोविड के टाइम्स में पता नहीं कितने इनके पास रजिस्ट्रेशन आएंगे या नहीं आएंगे, बट आई वॉज सरप्राइज कि एक हफ्ते में इनके पास 100 रजिस्ट्रेशन आए एंड ही वॉज ओवरवेल्म टू सी दैट। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सेलिब्रिटीज़ ही इनकी तारीफ करते हैं, इनके मॉडल्स जो हमारे शो की लाइफ लाइन है वो भी सिर्फ वेट करते हैं कब ASB का शो है और कब वो उसमें पार्टिसिपेट करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू ऑल द मीडिया आउट ऑफ हियर, गेट रेडी फॉर दिस, इट्स गोना बी वन ऑफ द बिगेस्ट इफ नॉट द बिगेस्ट इवेंट ऑफ द ईयर। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि हम सारे यहाँ सितारे यहाँ बैठे हैं, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस शो में इतने सितारे होने वाले हैं अंडर वन रूफ कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको कवर किस किस को करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट टू मिस्टर आलोक अग्रवाल, इस शो के बाद आलोक को मीडिया की जरूरत नहीं, मीडिया को आलोक की जरूरत पड़ने वाली है। थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच शदाब, आलोक, ऋतु, मयंक, पर्ल, ऑल ऑफ यू गाइज आर पुटिंग अप अ वेरी गुड शो एंड आई थिंक दिस ओपन्स डोर फॉर लॉट ऑफ पीपल टू ट्राई आउट एंड फाइंड देयर पोटेंशियल। पूरी टीम को मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक साथ मिलके जैसे वो बैक टू बैक बहुत ग्रैंड सक्सेसफुल इवेंट किया है वैसे ही करिए, क्योंकि पैंडमिक और आजकल है ना एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो अ टीम वर्क इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रखिए, किसी को किसी के कहने पर मत आइए, जस्ट बी योरसेल्फ, एक टीम वर्क हो के, मैं नहीं बट हम बन के काम करिए एंड गिव देम हाउ शुड आई से कि एक मार्क दीजिए कि हम जैसे लोग मिलकर पैंडिक में भी एक होकर बहुत ग्रैंड लेवल का शो दे सकते हैं, क्योंकि दिल्ली फैशन वीक से पहले भी हुआ, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग नए उतरे हो, तो यू गाइज विल गोना मेक अमेजिंग मार्क इन दिस इंडस्ट्री। थैंक यू।